महिला अपने परिवार की तस्वीरें ले रही थी, लेकिन अगले ही पल हादसा हो गया। एनी जिसके साथ हादसा हुआ था वो जिंदा लाश बन गई थी। इस हालत में उसका पति जैक कई वर्षों तक उसके साथ रहा, फिर भी वो नहीं जागी। लेकिन एक दिन जैक को एक डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने जैक को बताया कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो उसकी दुविधा का समाधान कर सकता है। वे एक ऐसी चीज पर शोध कर रहे हैं कि मस्तिष्क से मानव चेतना को कैसे निकाला जाए, फिर उस डेटा को निकालकर इसे दूसरे होस्ट में कैसे डाला जाए। मानव मस्तिष्क की केवल 10% क्षमता ही उपयोग में आती है, बाकी 90% खाली है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की चेतना को उस 90% में डाल दे तो वो चेतना के रूप में दूसरे के दिमाग में रहने में सक्षम हो जाएगी और उसकी पत्नी को इस बेकार शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैक योजना पर सहमत हो गया। एक चेतना संपीड़न उपकरण में एनी की चेतना को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। उन्होंने इसे जैक के मस्तिष्क में स्थानांतरित कर दिया और फिर जादू हुआ। एनी एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। जब वो उठी तो वो जैक के दृष्टिकोण से बाहरी दुनिया को देखने में सक्षम थी। डॉक्टर परीक्षण के लिए एक सेब पकड़ लेता है। एनी ने उसे बताया कि वो उसे देख सकती है। जैक को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने दिमाग में अपनी पत्नी की आवाज सुन सकता था। डॉक्टर ने जैक से सेब को पकड़ने के लिए कहा। एनी को भी सेब को छूने का एहसास हो रहा था। जैक सेब को पकड़कर खाने लगता है। सेब का स्वाद एनी की चेतना में भी प्रवेश कर रहा था। जैक को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस क्षण जैक ने अपने बच्चे को गले लगाया, एनी को भी उससे दोबारा मिलने का एहसास हो रहा था।